thank you very much for joining me on E-Times. I really don't know what's the reaction out there, people who are looking at this interview. But I can tell you one thing, they are absolutely awestruck. What do you mean? Absolutely awestruck. The people who are looking at this interview are absolutely awestruck. Before you know, looking, they are. पहले शुरू तो होने दो, आने तो दो स्क्रीन पर. You know, I want to start this by straight away telling you that whenever we mention the name Mumtaz, yeah, कोई भी सामने वाला कुछ भी ऐसे नहीं बोलता है कि मुमताज ऐसी है, मुमताज ऐसी है. Any gossip, nothing. It's like, what? मुमताज से मिले तुम? मुमताज से बात की? It's that kind of aura, it's that kind of love that you get. I do get. I'm very lucky. I always tell my friends and everybody, I'm so lucky. अगले जन्म में कुछ किया होगा जो इतने लोग, after giving up for so many years, they still show me so much love and affection, you know. And all young people, not only older people, even young boys, you know, they still show a lot of love and affection for me. I don't know why. जो डांस आपने की लोफर के सॉन्ग पे, how could you dance? I was not happy. Even now, like this. But I was not happy that much. Why? Because just two days before the show, मैं बाथरूम गई थी हाथ मुंह धोने के लिए और मेरे पैर में वो मैट आ गई एंड आई स्लिप्ड एंड आई हैड अ वेरी बैड बैक पेन एंड माय राइट नी. इवन नाउ इट्स पेनिंग लिटिल बिट बट मच बेटर. तो वहाँ पर जो दो तीन मेरे डांसेस थे वो शहरी बाबू यू नो बांध लिया क्या घुंघरू छम छम, तो मैं जंप करना चाहिए था उसमें. नच दे फेरा यू नो छम छम नच दे फेरा. सो आई कुडंट जंप, आई जस्ट कुडंट जंप ऑन माई राइट साइड. आई डिड मैनेज आई मीन लिटिल बिट, मगर जितने फोर्सफुली होना चाहिए था ना अकॉर्डिंग टू मी एज अ डांसर, आई कुडंट डू इट. सो आई एम फीलिंग लिटिल बैड, बट लोगों को शायद कुछ लोगों को पता ही नहीं चलेगा, कुछ लोगों को पता चलेगा, डांसर्स को पता चलेगा, बट आई कुड हैव डन मच बेटर इफ आई वाज वेल. बट यू वर नॉट गोइंग फॉर एनी शो. आई नो फॉर अ फैक्ट दैट 3-4 इयर्स एट लीस्ट यू आर रिफ्यूज्ड, एवरीबॉडी हैज कॉल्ड यू, ये शो पर आइए, ये चैनल पर आइए, इतने सारे ऑफर्स आए हैं. अचानक ऐसे क्या हुआ? क्योंकि मैंने ये रियलाइज किया कि पहले तो मैं सोचती थी इतने साल हो गए काम छोड़ दिया, क्या फ़र्क पड़ता मैं करूँ ना करूँ, लोग भूल भी गए होंगे मुझे इतने सालों में. मगर आस्ते आस्ते ये रियलाइज़ हुआ मुझे अभी कि कहीं भी जाती हूँ आज भी पहचानते हैं और इतना प्यार देते हैं. और दे मैं आपको एक दो किस्सा बोलूँगी तो इट विल बी लाइक अ शो ऑफ, बट व्हेन आई वाज इन मार्क्स एंड स्पेंसर इन लंदन, यू नो आई वाज शॉपिंग, तो एक औरत मेरे पास आई विच इज़ रियली अनबिलीवेबल थिंग. शी केम विद अ हस्बैंड एंड फर्स्ट शी केम एंड टोल्ड मी, मुमताज जी मेरा प्लीज़ एक काम करें, आप बुरा ना मानिए. सो आई गॉट सो स्केयर्ड, आई सेड क्यों क्यों क्या क्या हुआ क्या. बोले ये मेरे मियाँ हैं. तो मैंने बोला नमस्ते नमस्ते, आप एक बार मेरे मियाँ को हग कर सकते हैं? तो मैंने बोला व्हाट, बीइंग अ वाइफ यू वांट मी टू हग योर हस्बैंड, इट्स नॉट नॉर्मल. नहीं प्लीज़, वो ना मरने से पहले एक बार आप हग कर देंगे ना तो आराम से मरेगा. सो आई सेड पहली औरत है दुनिया में जो ये कहेगी एक औरत को कि मेरे हस्बैंड को. मैं बोली भाई साहब आइए आइए आई विल हग यू. तो वो बेचारे आए तो बोलते प्लीज़ हग करना, बुरा नहीं मानना. फिर मैंने बोला आइए भाई साहब, फिर मैंने उनको हग किया. तो इतना शाय हो गया वो और फिर बाद में ऊपर उठा के बोलता मुमताज जी हाउ स्वीट ऑफ यू टू डू दैट. मैं बोली यू आर माय फैन, व्हाई नॉट, आप मुझे प्यार करते हैं और सिर्फ एक हग ही मांगा आपने तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, और योर वाइफ इज स्टैंडिंग इज नथिंग टू हाइड. तो आई मीन इस तरह के फैंस भी हैं दुनिया में, कैन यू बिलीव दैट. शोभा डे वंस सेड दैट एवरी मैन लव्स फॉर यू, यू आर द मैरिलिन मोनरो ऑफ इंडिया. शी सेड दैट. इसमें मेरा क्या कसूर है? आई डोंट टेल देम एनीथिंग. व्हेन दे मीट मी दे लाइक मी दे लव मी एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन लविंग अ पर्सन, देयर इज नथिंग रॉन्ग. इसमें गलत क्या है?
Be honest, how many heroes were attracted towards you? All of them. And how did you make that out? Did they tell you? देखिए, आज भी जब मैं रास्ते पे जाती हूँ ना, मुझे कोई मर्द देखता है ना ऐसे, तो मुझे पता चल जाता है कि ये लव्स भी. ओके. बोलने की जरूरत नहीं होती. ओके. Why do I have to tell? I love you. आँख बयान करती है प्यार. Could you make out who loved you the most? शामी जी. I'm sorry, I don't want to repeat his name again and again and again because it's becoming very monotonous. That is why I wanted to marry him, he wanted to marry me, but it didn't work out. So, and मुझे कुछ बनना था ना लाइफ में, बहुत छोटी थी तो हाँ, तो इसलिए I wanted to, but I couldn't because of, I was very ambitious. I want to take you back to that party where you visited Shamiji's house on his 74th birthday. Could you tell us a little more in detail, because you have spoken just one line that you went up and spoke to him that अभी तक आप wine पी रहे हो, and he said नहीं नहीं ये घर नहीं था, उन्होंने पार्टी दी थी वो हाजी अली के पास, क्रॉस करके जाओ वहाँ एक है, ये अभी पूल नहीं बना है, where we go, तो वहाँ पार्टी का पूरा रूम है, it's a huge place you know for party. तो मैं मेरी बहन के घर गई थी, तो मैं रास्ते पे चल के कुछ चीज़ें ख़रीद रही थी, तो मेरी फ़ोन की घंटी बजी, तो मैंने फ़ोन उठाया तो शमी जी की वाइफ फ़ोन पे थी. उन्होंने कहा नमस्ते, मैं शमी जी की वाइफ बोल रही हूँ. मैंने बोला वो इट्स लवली, आपकी आवाज़ सुन के बहुत खुशी हुई, साहब कैसे हैं? मैंने सुना था शमी जी की तबीयत ठीक नहीं, वो कैसे हैं? तो बोले उन्होंने मुझे कहा है कि मेरी बर्थडे पार्टी है एंड आई वॉन्ट यू टू कॉल मुमताज़ ऑन द पार्टी. तो उनके बोलने पे मैं आशा जी के साथ गई, आशा पटेल जी के साथ. मैं बोली मैं अकेली कैसे जाऊँ, मैं और आशा पटेल जी वहाँ. हमीशा अजमादा. तो मैं जब गई, एंटर कर रही थी, तो ही वाज सिटिंग ऑन अ व्हील चेयर एंड ही हैड अ रेड वाइन इन हिज हैंड. तो मुझे नहीं मालूम था कि उनकी सिचुएशन कितनी ख़राब है, क्या है, आई हैड नो आइडिया. तो मैंने देखा तो वो बैठे थे, तो उन्होंने मुझे देखा, मैंने बोला Why are drinking? उन्होंने मुझे भी बुलाया, मुझे बुला के बोले लगे बैठो, यू नो आई लाइक ड्रिंक, आई ऑलवेज लाइक, ऐसे दिया. सो वहाँ मुझे पता चला दैट ही हैड फ्यू मंथ्स टू लिव. आई एम सॉरी, आई एम फीलिंग बैड. तो Don't you think I should drink? मैंने बोला I'm sorry, I didn't know that. अगर ये सिचुएशन है, you should enjoy your life, be happy. उसके बाद थोड़ी देर मैं बैठी, उसके बाद मैं घर चली गई. But it was so sad. I'm very emotional person. वो मंजर आज भी मुझे याद है, मैं कभी भी नहीं भूलूंगी. आई एम सॉरी, आई बिकेम इमोशनल. वाज दैट द फर्स्ट टाइम यू वर मीटिंग हिम आफ्टर मैरिज, आफ्टर योर मैरिज? या. ओके, यू नेवर कॉल्ड देम? नताशा एंड फरदीन जाके उनको हॉस्पिटल में मिले थे, जहाँ पर वो थे, आई थिंक ब्रिज कैंडी में थे कि कहीं थे. दैट वाज आफ्टर द पार्टी? नहीं, दैट वाज बिफोर. That was before the party. हाँ जी. वो बोल रहे मुझे कि पूछ रहे थे शमी जी, हाउ इज, वो मुझे जूने बोलते थे ईरानी में, जूने मीन्स जान. तो उन्होंने मुझे, उन्होंने बच्चों से पूछा हाउ इज जूने, इज फाइन, एवरीथिंग इज ओके, सब ठीक है. बोले हाँ, शी इज हैप्पी. तो नताशा ने कहा यहाँ शमी जी, शी इज वेरी हैप्पी एंड माई हस्बैंड गिव्स मी एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, ही रियली लुक्स आफ्टर मी वेल एंड ही लव्स मी अ लॉट, आई लव हिम अ लॉट. तो बच्चों ने कहा कि यस, यू नो आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट यू वेंट थ्रू, व्हाट यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ आल्सो, बिकॉज़ इन दिस हाउस राइट बिहाइंड मी देयर इज अ पिक्चर ऑफ शमी कपूर सिटिंग विद धर्मेंद्र एंड सुनील दत्त एंड यू हैव केप्ट इट
क्योंकि ये तीनों लोग मुझे बहुत प्यारे हैं, उनसे तो खैर ऐसा कुछ रिश्ते, बट आई थिंक शमी जी के अलावा धर्मिंदर जी इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, वेरी गुड हार्टेड पर्सन, सच अ लवली, वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, वेरी लवेबल पर्सन। एंड दत्त साहब हीरा आदमी थे, उनके जैसा ट्रू इंसान मुझे लगता नहीं कि किसी को मिल भी सकेगा दिख आप कभी ज़िंदगी में। सच अ गुड हार्टेड एंड सच अ हेल्पफुल, उन्होंने बल्कि शूटिंग्स में मैंने सुना एक दो लोगों की जान भी बचाई, और इंक्लूडिंग हिज ओन वाइफ, हिज ओन वाइफ, ही वॉज सो सच अ स्वीट हार्ट। तो मेरे फेवरेट हैं ये तीन, तो इसलिए मैंने उनकी फोटो रखी है। सो टेल मी इफ वी टॉक अबाउट अदर हीरोज, mm-hmm. Who was that one hero whom you couldn't get along with much? Anybody who? हाँ, एक दो बार सिर्फ एक शत्रु जी और एक राजर जी पे मैं झगड़ा करती थी क्योंकि वो लेट आते थे शूटिंग पर बस, और वो लटके रहते थे, मैं क्लोजअप दे के चली जाती थी और फिर वो लगे रहते थे 3 घंटे एक्स्ट्रा। अदरवाइज मैं, ऐसा हुआ ही नहीं कि कोई हीरो के साथ गेट ऑन नहीं हुई हूँ। नन ऑफ द हीरोज, नन, दे वर ऑल सो नाइस, सो काइंड टू मी। आई रिमेम्बर रियली, मैं जेन्युइनली सोच रही हूँ अभी, नोबडी, आई गॉट ऑन विद ऑल माई हीरोज, ऑल ऑफ देम, दे हैव बीन वेरी नाइस टू मी, वेरी काइंड टू मी। कुछ लेट लतीफ़ थे और आज भी होंगे आई एम श्योर हमारे फिल्म लाइन में, जो लेट आते हैं और लेट जाते हैं, एज फार एज दे फिनिश द जॉब, इट्स ओके। डिंपल वंस सेड दैट राजेश खन्ना शुड हैव मैरिड यू, व्हाई नॉट अंजू, व्हाई मी, शी रियली सेड दैट, दैट्स व्हाट द इंटरनेट इज फुल ऑफ, आई मीन पॉसिबली, रियली I don't know why she said that, because she knew that Anju was there. Anju, such a sweet girl. She is still my very good friend. She and Shatru's wife, Poonam, they are very close friend of mine even now. मगर काका के साथ मैंने 10 फिल्में की है, शायद इस वजह से, क्योंकि हमारा 10 फिल्म करने के बाद क्या होता है, यू नो, एक ट्यूनिंग हो जाती है काम करने के वक्त, यू नो, रिदम हो जाता है। ही वॉज लिटिल वीक इन म्यूजिक, तो आई यूज टू हेल्प हिम समटाइम्स इन डांस। यू मीन डांस तो खैर वो बेचारे कर ही नहीं सकते थे, लिप लिप मूवमेंट में, चल दरिया में डूब जाए जो गाना था उनको ज़रा डिफिकल्ट लग रहा था क्योंकि बहुत रिपीटेशंस थी उसमें, तो ऐसे, और कभी डांस में कब शुरू करना है मूवमेंट, तो हम लोग एडजस्ट कर लेते थे, मैं ऐसे कर लेती थी तो वो शुरू हो जाते थे। ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, 10 फिल्म बहुत, और आई एम सरप्राइज कि एक भी पिक्चर फ्लॉप नहीं हुई, दैट इज़ अ मिरेकल टू। ऐसा लगता है हमारे सितारे मिलते थे, वो कहते हैं ना हिंदुओं में, कहते हैं कि जब हस्बैंड एंड वाइफ भी शादी करते हैं, शादी चलती है क्योंकि सितारे मिल गए, डिवोर्स हो जाता है क्योंकि सितारे नहीं। तो आई थिंक एज एन एक्टर हम दोनों के सितारे मिलते थे, यू नो, एज अ पेयर, इसलिए एक भी पिक्चर फ्लॉप नहीं हुई, एंड वी यूज्ड टू गेट ऑन सो वेल, सो वेल। ही ब्रोक डाउन व्हेन यू वर अबाउट टू गेट मैरिड और अ लिटिल लेटर देन दैट। मैंने सुना है, आई डोंट नो, आई वाज इन लंदन देन, मैंने सुना है कि वो ऐसे कह रहे थे कि मुमताज चली गई तो मेरा सीधा हाथ कट गया है, राइट हैंड, एम आई राइट, राइट हैंड, या मे बी बिकॉज वी वर सो गुड पेयर विद ईच अदर, such a good pair, and we used to sit and gossip. Kaka was little, you know, sabke saath aisa free nahi rehta tha, he was little reserved. Ek do hi honge heroine jinke saath he used to get on. So he used to get on with me immensely, you know, and like a friend, hum log haste the, shooting karte the. Wo aap screen pe dekh sakte hain ki hamari tuning kitni achhi hai, movement mein, dance karne mein, डायलॉग बोलने में, हाथ रखने में, नज़दीक आने में, यू नो, यू कैन सी, बिकॉज हमारे में एक फ्रेंडशिप ऐसी हो गई थी कि ऐसा लगता था इन लोगों का अफेयर चल रहा है और मैं तो किसी से भी प्यार से बात करूं तो मेरा अफेयर चल रहा है आज भी।
So let's talk about other heroes. Let's talk about Jitendra. How was your tuning with him? उसके साथ ट्यूनिंग होना वैसे डिफिकल्ट था, क्योंकि जब से मैं उसको जानती हूँ तब से उनकी वाइफ उनके लाइफ में थी, एंड शी वॉज वेरी पॉजिटिव अबाउट हिम, एंड शी वॉज डिटर्मिन दैट शी विल मैरी हिम, एंड शी मैरिड हिम. तो और किसी का तो खैर चांस लगा ही नहीं आई थिंक टू फ्लर्ट विद जीतू और मैरी विद गेट मैरिड टू जीतू और एनी थिंग लाइक दैट. बट देन एज यूजुअल ही वॉज ऑल्सो फॉन्ड ऑफ मी. ऑल आई टोल्ड यू राइट इन द बिगिनिंग, सारे जितने हीरोज थे उनसे किसी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी. दे ऑल यूज टू लाइक मी, दे यूज टू बी वेरी फॉन्ड ऑफ मी, दे यूज टू स्लाइटली कम एंड फ्लर्ट ऑल्सो विद मी, सम ऑफ देम, सम ऑफ देम नो. बट हीरोइंस आई नेवर गॉट ऑन विद, दे नेवर स्पोक टू मी हार्डली. वो पहले ज़माना था, कुर्सी के पीछे लिख दिया है कि मुमताज की चेयर, और मुमताज आके वहीं बैठ जाते थे. और मैं ऐसी नहीं थी, मैं पहले भी चुलबुली थी और आज भी. आप देखिए, इन माई एज आई बिहेव लाइक अ वेरी यंग गर्ल, आई बीन लाइक दैट होल माई लाइफ, यू सी. क्योंकि मुझे देव साहब ने कहा था कि मुमताज इधर आओ, तो मैं बोली जी देव साहब, बैठो. तो मैं बैठ गई हरे रामा के टाइम पे. कहने लगे कि डू यू नो यू आर अ ब्यूटिफुल गर्ल. सो आई सेड आई नो आई एम अ प्रेजेंटेबल गर्ल. नो, देख तेरे पास हाइट है, तेरे पास कलर है, तेरे पास बॉडी है, तू अच्छा डांस करती है, खूबसूरत लड़की है तू. और एक बात मेरी हमेशा ज़िंदगी में याद रखना, ये मैंने कितने लोगों से कहा है, मेरे क्लोज फ्रेंड से, वापस रिपीट कर रही हूँ फॉर द ऑडियंस. तो मैंने बोला हाँ बोलिए देव साहब. हमेशा अपने बाल का ख्याल रखना. और अभी तो खैर मैंने स्विच लंबी लगाई, इतने बाल नहीं है मेरे, बट आई हैव गॉट लॉट ऑफ हेयर माशाल्लाह. इवन टुडे आई हैव गॉट लॉट ऑफ हेयर. बाल का ख्याल रखना, बॉडी का ख्याल रखना, और ऑलवेज ऑलवेज ट्राई टू लुक यंग. अपना ख्याल रखो, बॉडी का रखो, खाने पीने का. व्हाट इज एज? एज इज अ ब्लडी नंबर मम्जी, इट्स नथिंग. You are what you look, he told me. You are what you look. And if you look beautiful, even if you are 90 years old, you will get boyfriend 30 years old. Dev sahab, dekhna hai mamzi? Maine bola, haan bataiye Dev sahab. Dada, darwaza kholo. And I was sitting in his makeup room. Darwaza khula to teen ladkiyan bahar khadi thi. And Dev sahab, I think was 80 something. कुछ 25 की होंगी, कुछ 24 की होंगी, कुछ 30 की होंगी, तीन लड़कियां हैं. हाय, उन्होंने कहा हाय. तो देव साहब ने कहा हाँ एक मिनट, हाँ बता दो, दरवाज़ा बंद कर रहा. दे ऑल वांट वांट डेट फ्रॉम मी नाउ नाउ. सो व्हाट इज एज बेबी? मैंने कहा सच्ची? बोले हाँ, आई कैन चूज एनी ऑफ देम. तो वो बात मेरे जहन में बैठ गई. And I think he's not 99, 100% sure. You should never feel that you're getting old. Take care of your body, take care of your face, take care of your hair. When you wear a jeans and you walk, even now people turn and look. They don't know how old you are. So, मैं उन्हीं के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करती हूँ. I can't be Dev Sahab, but I can copy him. जैसे अक्षय कुमार ने भी कहा है कि मुमताज सब लोगों के लिए, उसने कहा है पेपर में, ये जो है ना लोग खाओ 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 करके मोटे हो जाते हैं, खाना खाने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा खाओ, 6 बजे के बाद खाना खाना ही नहीं. एंड यू फॉलो दैट? एंड आई फॉलो दैट. एंड ही इज 100% राइट, ही इज 100. मैंने इतना लूज वेट किया है कि अभी कभी कभी मैं नहीं भी करना चाहती हूँ तो दुबली हो जाती हूँ, तो माय फेस गोज डाउन. तो आई टेल माई सिस्टर सेज मलका, मुमताज और मुँह दुबली मत हो, योर फेस इज गॉन इन. आई सेड ना मैं क्या करूँ, मैं बॉडी संभालूँ कि फेस संभालूँ? तो आजकल तो अभी वो क्या डाल दे, क्या फिलर्स, फिलर बोटॉक्स नहीं है, बोटॉक्स इज टेरेबल. सो व्हेन आई गो लाइक दिस, आई गो टू डॉक्टर, एक इधर डाल दो फिलर, एक इधर डाल दो, फिर
ठीक हो जाती हूँ. बिकॉज बोटॉक्स में आदमी आर्टिफिशियल लगता है, ऐसा लगता है एक अनार इधर डाल दिया एक अनार इधर डाल दिया, विच आई हेट इट. You said the heroines didn't get along with you much. I mean, in the sense, you कभी बात ही नहीं किए तो get along कहाँ से होंगे? बात ही नहीं करते थे. Hardly. बिल्कुल नहीं. Hello, Mumtaz, how are you? Fine, thank you. थोड़े बहुत वहीदा जी अच्छे, वो बात करते थे. That's it. और मेरे जमाने की जितनी भी हीरोइन थी, आपने कभी सुना they are friends with me? क्यों ऐसा? उनसे सबसे पूछिए ना आप. Why like that? I don't know. और मैं तो इतनी चौपी हूँ, सबसे बात करती हूँ. फैन ने कहा कि मेरे हस्बैंड को चिपक के एक फोटो दो, तो मैंने दे दिया. मैंने बोला अगर वो मरने की ख्वाहिश है तो मैं दे दूँ बेचारे को, मेरा क्या जाता है. बट कुछ तो सेंस किया होगा आपने, कुछ तो सुना होगा कि क्यों आपसे बात नहीं करते, क्यों आपसे दूर रहते हैं. वन ऑफ द रीजन आई थॉट वॉज सम ऑफ द हीरोज के साथ दे वॉन्टेड टू हैव एन अफेयर एंड दे वर ऑलवेज वेरी फॉन्ड ऑफ मी. तो शायद उनको ये डर लगता था कि ये सब लड़के ये इनके साथ घूम जाएंगे, हम रह जाएंगे. आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो, बिकॉज मुझे सारे ही प्यार करते थे हीरोज. तो हो सकता है थोड़ी जलसी थी, और क्या हो सकता है. जब आपने बात ही नहीं किया तो क्या सोचूं मैं कि क्या है. या तो दे डिडंट लाइक के व्हाई ऑल द हीरोज आर लाइक आई वॉज लाइक ए टॉम बॉय, व्हाई ऑल द हीरोज आर टॉकिंग टू मुमताज सो नाइसली, इसके साथ इतने फ्रेंडली क्यों होते हैं, ये लोग हंसते क्यों हैं सेट के ऊपर, हंसते बोलते क्यों हैं. मे बी दे डिडंट लाइक इट, व्हाई एवरीबॉडी गोज फॉर हर और व्हाट एल्स इट कुड बी, आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया. बट आई वाज नेवर क्लोज टू, एक रीना से आई एम क्लोज. पूनम तो खैर बेचारी शादी कर ली जल्दी, और मैं सायरा जी की बहुत इज्जत करती हूँ, सायरा जी को बहुत प्यार करती हूँ. और पूनम को मैं जानती हूँ बिफोर शी गॉट मैरिड, मेरे साथ जिगरी दोस्त में भी काम किया था उसने. शी इज़ मोस्ट वंडरफुल गर्ल, इतनी अच्छे दिल की है, इतनी साफ दिल की है, बहुत ही प्यारी लड़की है. एंड अंजू, और मैं किसी को जानती ही नहीं. वर यू टेकन बाय सरप्राइज व्हेन अंजू एंड राजेश ब्रोक अप? यस, आई वाज एस्टोनिश. मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इतने, अंजू हैज बीन सच अ डिवोटेड वाइफ, आई वुड से वाइफ, बिकॉज शी यूज टू ऑर्गेनाइज एवरीथिंग, हिज पार्टीज, खाना पीना, एंड शी वॉज वेरी सोफिस्टिकेटेड वे, यू नो, शी यूज टू लुक आफ्टर हिम. मैश और मयूर भी शादी से पहले, वी यूज टू क्रॉस माई बंगलो एंड वी यूज टू गो, दैट वॉज राजेश खन्नाज बंगलो, वी यूज टू सिट चिट चैट, ड्रिंक्स लेते थे, यू नो, वी यूज टू लाफ एंड जोक. तो अंजू सबको संभालती थी, शी वॉज सच ए वंडरफुल लेडी, यू नो. एंड देन मैं तो कभी ख्वाब में भी सोच नहीं सकती थी कि एक दिन में यू कैन लीव समबडी हु हैज बीन विद यू फॉर सो मेनी ईयर्स. एंड आई डोंट थिंक दैट वॉज राइट ऑफ हिम टू डू दैट. अगर आपका जमता नहीं है तो बुलाइए, बिठाइए, बोलिए देखो, या मैं हूँ या कोई भी हो, कि देखिए भाई, वी आर नॉट गेटिंग ऑन, let's separate in a good way. Like my parents, my father and my mother didn't get on after he came from Iran to Bombay, because my mother became modern and father was very very orthodox and typical Irani, hamesha suit hi pehante the. And ye Astoria hotel hai na, wo unki thi. Sab bolte hain ki main slum se aayi, aise kuch nahi hai. And he used to do dry fruits. Aur Astoria hotel aaj bhi hai Kolaba mein. आप कभी भी पूछ सकते हैं कि बहुत पहले ये किसी ईरानी की थी, दे विल से यस, दैट वाज माय फादर. पता नहीं व्हाई थिंक लोग सोचते हैं कि मैं झोपड़े में से आई हूँ और इधर से आई हूँ उधर, काफ़ी पेपरों में बोल रहे हैं, एंड दैट्स नॉट ट्रू, इट्स ऑल रबिश, ऑल रबिश. So Anju called you and told you that this has happened. I mean, you were saying it happened no, in one she day. No, she didn't call me. She didn't call me. I called her and I went and I said, ये क्या तो? And I don't think she really bothered in the end, you know. She was a very confident person. And I don't think she really bothered ki kya hua, kyun hua. Usne bola chodo. Maine kabhi unko jhagadte hue ya, you know, Anju ne kabhi humko nahi sambhala ho, aisa kabhi nahi hua. It has never happened. She was such a good host and itna khayal rakhti thi. She was like a wife only, na? पता नहीं, शायद शादी हुई भी होगी उनकी, पता नहीं, मैंने कभी पूछा नहीं, बट शी वॉज
just like a wife to him, and she really looked after the whole house and all the parties. हमारे फिल्म लाइन में आपको मालूम है ना, बड़े हीरों के यहाँ बस शाम जैसी हुई तो सारे लोग प्रोड्यूसर और सारे लोग झमघट लगते थे, शराब खाना ये वो सब. इट यूज़ टू हैपन. आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग नाउ. काफ़ी पैसे खर्च करते थे हमारे हीरो ड्रिंक्स पे, खाने में, इंटरटेनमेंट में, हज़ारों रुपए, लाखों रुपए आई वुड से. एवरी इवनिंग देयर यूज़ टू बी झमघट, पीपल यूज़ टू सिट एंजॉय देमसेल्फ. तो शी यूज़ टू लुक आफ्टर. आई डोंट नो फिर क्या हुआ रियली, बट इतना मुझे मालूम है शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल अंजू, एंड आई डोंट थिंक शी बॉदर. शी इज़ लीडिंग हर लाइफ नाउ एंड शी इज़ वेरी हैप्पी. कितने लोग फ्रेंड जाके रोज शाम को उसके यहाँ बैठते हैं. दो दिन पहले मैं गई थी और मेरी आदत है ना कि मैं 6 बजे के बाद कुछ खाती नहीं, तो उस दिन मैं सारा दिन कुछ खाई नहीं थी, और पूनम भी कुछ ना कुछ बना के भेजती है नीचे, तो मुझे बोलने लगी तू कुछ खाई नहीं होगी, चल कुछ खा. हाउ स्वीट, शी ब्रॉट लवली सैंडविचेस फॉर मी, एंड पूनम ने कुछ खाना भेजा था वो भी. शी फोर्स्ड मी, तुम सुबह से नहीं खाया आज खा लो, रात सोचना दोपहर है, रात नहीं. एंड आई एट एंड आई एंजॉयड इट जस्ट 2-3 days अगो. यू नो आई एम सिटिंग इन अ हाउस, गुड होस्ट, यू नो शी इज़ अ गुड पर्सन, वेरी गुड पर्सन. आई मीन टू मी शी इज़ ऑलवेज बीन वेरी गुड. इज शी इमोशनल अबाउट हिम स्टिल? नो No, no, she is not. She is leading her life, and she is very happy because she is a nice human being. कितने लोग आ जाते हैं उसके घर में शाम को, जमघट लग जाती है, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चाय पीते हैं, ड्रिंक्स पीते हैं. कभी पूनम के यहाँ से खाना आता है, कभी उसके यहाँ से आता है, कभी मेरे यहाँ अगर मैं हूँ, अगर कुछ हो तो मैं भी बोलती मैं भी आ रही हूँ, मैं भी खाना ले जाती हूँ. We all eat, we all enjoy. Tell me one film which you regret doing. मैं इस पोजीशन में नहीं थी बिगिनिंग में कि मैं रिग्रेट करूं, मुझे काम मिल गया था. आज इफ यू लुक बैक इन हाइंडसाइट, यू नो शैल आई टेल यू ट्रू, सच बोलूं, मैं अपने काम को इतना प्यार करती थी, इतना सराहती थी, एंड आई यूज्ड टू वेट कि मुझे कोई भी काम मिले, अच्छा काम मिले. आई वॉन्ट टू वर्क, आई वॉन्ट टू कम अप, आई वॉन्ट टू बी वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ ऑन द टॉप. तो मैंने जो भी पिक्चर की है अपने दिल से की है, मुझ पर थोपा नहीं किया था कि मुमताज तुम करो. तो ऐसी कोई फिल्म थी जो आप ऑलमोस्ट करने वाली थी और लास्ट मिनट पे पता चला दैट समबडी इज रिप्लेस्ड यू? की है, एक तो मैंने ये की गीता और सीता की है, और एक जो मैंने शमी जी से कहा था कि मैं आपके साथ कभी काम नहीं करूँगी, उसके बाद रमेश सिप्पी ने मुझे वो पिक्चर दिल उसे दो जो जा, वो कौन सा पिक्चर अंदाज, वो मैंने बोला कि नहीं मैं शमी जी के साथ काम नहीं करती हूँ, तो वो रिफ्यूज़ की. ऐसे तो 4-5 किए मैंने रिफ्यूज़, जो दूसरों के पास गए ऑब्वियसली. एक नहीं तो हज़ार है काम करने वाले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बट गीता और सीता हमारे प्राइज नहीं जमी. जब मैं 8 लाख ले रही थी, 8.5 लाख ले रही थी, उन्होंने मुझे बोला 2 लाख, एक गीता एक सीता, तो मैंने बोला नहीं, देन आई वोंट वर्क, बिकॉज मैं इतने आसमान से इतने ज़मीन पे तो नहीं गिर सकती. आई डोंट वांट. मैंने ऑलरेडी रामर श्याम किया है. आई ऑलरेडी डिड रामर श्याम. गीता और सीता केम आफ्टर रामर श्याम. सो आई वॉज नॉट दैट एक्साइटेड. आई न्यू इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड रोल, मगर मैं उसके लिए वापस रिपीट करूँ वही पिक्चर और फिर 2 लाख में 8 लाख की जगह, क्योंकि मैं मेरी जो फीस थी मैं नेगोशिएट करती थी, मम्मी नहीं करते थे. एंड आई वॉज वेरी पर्टिक्यूलर पहले भी और आज भी आई एम वेरी पर्टिक्यूलर अबाउट माई प्राइस. टू कंक्लूड लेट्स ask you that which is your best film. Are you going with Do Raste? Are you going with Do Raste? To bilkul hi should have got you an award. Do Raste to bilkul hi nahi kyunki usme mera role hi nahi tha. Do Raste mein sirf ek cheez tha ki wo Bindiya Chamkegi bahut hit ho gayi thi and picture bahut chali. Bahut chali, golden jubilee plus gayi wo. So that's why people still remember wo Bindiya Chamkegi, all that. मगर मेरा परफॉर्मेंस वाइज आप पूछो तो एक खिलौना थी, एक तेरे मेरे सपने थी. वेल जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन, आई सेड टू कंक्लूड बट जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन, द इंटरव्यू विल बी इनकम्प्लीट इफ यू डोंट टॉक अबाउट फिरोज खान. टेल अस समथिंग अबाउट हिम, समथिंग दैट यू हैवंट सेड बिफोर.
नहीं देखिए ना, मैं आपको पूरी हिस्ट्री बता देती हूँ। फिरोज़ खान को मैं पहली बार मिली थी JVH वाडिया की पिक्चर में, मुझे लिया था उनके ऑपोजिट। उसमें चार हीरोइन थे, एक थी सईदा खान, एक मैं थी और एक प्रवीण चौधरी थी, और वो पिक्चर का मैं सॉरी मैं नाम भूल गई, बहुत साल हो गए। तो दैट इज़ द टाइम आई मेट हिम एंड ही हैड अ वेरी ब्यूटिफुल गर्लफ्रेंड, उनका नाम था पेनी, शी वॉज एंग्लो इंडियन, बहुत ही खूबसूरत लड़की थी उस ज़माने में। एंड हम लोग कश्मीर गए थे शूटिंग के लिए सब, सो वी गॉट ऑन वेरी वेल विद हिज गर्लफ्रेंड। तो उसके बाद तो देन आई बिकेम अ वेरी प्रोफेशनल गर्ल एंड ऑल दैट। तो वी यूज टू मीट, मैं पूरे ख़ानदान की उनको जानती हूँ। देन आई वॉज इंट्रोड्यूस इन आदमी और इंसान टू सुंदरी, सुंदरी खान, सुंदरी खान भी आउटडोर में आए थे, हम लोग मिले आदमी और इंसान में। फिर उनकी शादी सुंदरी से हो गई, बट आई नेवर हैड अफेयर और एनीथिंग विद हिम। पीपल आर थिंकिंग बिकॉज ही वॉज, आई पर्सनली से इवन नाउ आई थिंक ही वॉज द बेस्ट लुकिंग हीरो इन अवर फिल्म इंडस्ट्री ही। उसके बाद कपूर फैमिली आती, पहले फिरोज खान, बट अ मैनली फिगर, उसमें कोई नुक्स ही नहीं। आप बताइए, एक नुक्स फिरोज खान में नहीं था। क्या पर्सनैलिटी, क्या लुक, क्या अंदाज, मैनली आदमी लगता था। ऐसे लोग अभी दिखते नहीं है। कहाँ तुम जरा आवाज तो एक भी नहीं है। सो देन वी बिकेम वेरी क्लोज एंड ऑल देन दैट्स हाउ माई डॉटर एंड हिज सन गॉट मैरिड। बीन विद आई न्यू फिरोज व्हेन आई वाज वेरी यंग, 13-14 साल की थी। बट ही वॉज वेरी अट्रैक्टिव मैन, आई ऑलवेज यूज टू थिंक ही वॉज, थोड़ा बहुत मुझे बहुत ऐसा लगता था काश मेरा ये बॉयफ्रेंड होता, लेकिन हुआ नहीं। बहुत ही, आई एम नॉट अ हिपोक्रेट, इतना हैंडसम आदमी बहुत कम दिखता है। यू वर अट्रैक्टेड टू हिम, ही वाज आल्सो, बट बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप यू हैव टू कीप द डिस्टेंस। यू कांट से कि भाई कोई भी आदमी जो आपको अट्रैक्टिव हो गया, तो आपको देखना पड़ता है कि वी आर फ्रेंड्स इन सो मेनी इयर्स एंड आई नो हिज वाइफ, हिज वाइफ यूज्ड टू लव मी, सुंदरी वंडरफुल पर्सन। आई डोंट नो व्हाई पीपल थिंक व्हेन यू आर क्लोज एंड इफ यू आर बोथ गुड लुकिंग और इफ समबडी यू मस्ट बी हैविंग अफेयर, ये जरूरी है? जरूरी तो नहीं है ना। व्हाई एनीबडी हु इज अट्रैक्टेड टू ईच अदर हैज टू हैव एन अफेयर? नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। एंड दैट टाइम आई वाज मैरिड टू मयूर आल्सो, मयूर यूज टू गो टू हिज हाउस, दे वी ऑल यूज टू इन्जॉय। बट मुझे अभी भी बहुत बुरा लगता है जब मैं उनको देखती हूँ, मैं बोलती हूँ वॉट अ हैंडसम मैन एंड वाई ही डाइड। एक शमी जी के लिए बोलती हूँ, एक इनके लिए बोलती हूँ कि क्यों, और मैं दत्त साहब के लिए भी बोलती हूँ, सब जो गुजर गए हैं, आई रियली फील बैड फॉर देम, रियली देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर देम, एब्सोल्युटली नॉट। थैंक यू, thank you Mumtaz ji, thank you so much for this wonderful interview. I bet everybody is going to say that how did you get Mumtaz on video. I really respect you, you're a nice person, so jab aapne kaha maine kaha theek hai main yahan hoon, I will give interview, what's the problem, there is no problem. Thank you Mumtaz ji. Nahin, thank you so much. All, not at all, you're most welcome. Thank you all my fans.